नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय वांगर कॉलेज डीडवाना से। प्रेम उपन्यास का ही विषय चल रहा है। आज हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के विकास के। प्रेमचंद ने भावी उपन्यासों के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कभी कहा था, यो कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसकी छुटाई बढ़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा कि जिस पर उसने विजय पाई है। हाँ, वह चरित्र इस ढंग से लिखा जाएगा कि उपन्यास मालूम हो। अभी हम झूठ को सच बनाकर दिखाते हैं, भविष्य में सच को झूठ बनाकर दिखाना होगा। किसी किसान का चरित्र हो या किसी देशभक्त का या किसी बड़े आदमी का, पर उसका आधार यथार्थ पर होगा। प्रेमचंद की बात विश्व में और भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। 1949 से लेकर 1945 ईस्वी तक संपूर्ण विश्व को अपनी लपेट में लेकर ध्वंस लीला करने वाला महायुद्ध, इसके बीच भारत में घटित होने वाली अनेक घटनाएं, 1940 से 1941 ईस्वी में कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह, बंगाल का भीषण अकाल, 1942 ईस्वी में गांधी जी का भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा, जनता का विद्रोह, अंग्रेजों का भीषण दमन चक्र, 1940 ईस्वी में बंबई में भारत की समुद्री सेना की बगावत, अगस्त 1940 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरकालीन सरकार का संगठन और मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष संघर्ष, 15 अगस्त और सन 1947 ईस्वी को पूरे भारत देश का भारत और पाकिस्तान दो राज्यों में बंटवारा और भारत की स्वतंत्रता, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत के संविधान का निर्माण, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में उदय, तब से लेकर आज तक कांग्रेस का शासन, विश्व राजनीति में से अस्तित्व और पंचशील की मान्यता और उसका तिरस्कार, आर्थिक समृद्धि के लिए कार्यान्वित होने वाली योजनाओं और उनकी विफलता, चीन का आक्रमण, आदर्शवादी नेताओं का मोह भंग, पाकिस्तान और भारत का युद्ध, ताशकंद वार्ता, देश के सामने अनेक समस्याएं, विघटन और प्रवृत्तियों का उन्मेष और सब मिलाकर देश की नई पीढ़ी के सामने निराशा, कुंठा, दृष्टिहीनता, लक्ष्यहीनता, शून्यता, परामुखक्षिपता, आत्महीनता का वातावरण, इन सबका सामूहिक प्रभाव साहित्यकारों की रचना प्रेरणा को प्रभावित करता रहा है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों की दो समानांतर पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जैनिन, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल बेचैन शर्मा उग्रू, ऋषभ चरण जैन, अघे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, राहुल सांस्कृत्यायन, मन्मथ नाथ गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि आते हैं। दूसरी पीढ़ी में उदय शंकर भट्ट, प्रभाकर माचवे, वीरेन्द्र कुमार जैन, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, कृष्णचंदर, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण लाल, रांगीय राघव, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु, रुद्र काशिकी, अनंत गोपाल शेवड़े, नरेश मेहता, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, लक्ष्मीकांत वर्मा, कंचन लता, सब्बरवाल शिवानी, श्रीलाल शुक्ल, शैलेश मटियानी, कमलेश्वर मार्कंडेय, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र, दुष्यंत कुमार, निर्मल वर्मा, मनहर चौहान आदि लेखक आते हैं। पिछले 25 वर्ष में उपन्यास लेखकों की एक ऐसी तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई है। इनमें केवल केशव प्रसाद मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बलदेव बैद, राखी मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, मनु शर्मा, वदी उज्जमान, अमरकांत, विशंबरनाथ उपाध्याय, राजेंद्र अवस्थी, जगदीश चंद्र, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, हृदयेश, योगेश गुप्त, गंगा प्रसाद विमल, महेंद्र भल्ला, शानी, महीप सिंह, मुद्रा राक्षस, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मनोहर श्याम जोशी, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, गिरिराज किशोर, रमेश चंद शाह, कामता नाथ, हिमांशु जोशी, द्रोणवीर कोहली, रामदीप शुक्ल, गिरीश अस्थाना,
गोविंद मिश्र, नरेंद्र कोहली, मणि मधुकर आदि उल्लेखनीय हैं। उपन्यास लेखिकाओं में शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमदा, मृदुला गर्ग, दीप्ति खंडेलवाल, मन्नू भंडारी, राजी सेठ, कांता भारती, दिनेश नंदिनी डालमिया, निरुपमा सोबती, प्रतिमा वर्मा, ममता कालिया, मेहरुनिसा परवेज, मृणाल पांडे आदि विशेष शक्ति हैं। प्रेमचंद की बात की इन तमाम उपन्यासकारों और उनकी कृतियों को कई प्रकार से वर्गीकृत करने की चेष्टा की गई है। इन उपन्यासों को सामाजिक एवं मानवतावादी, स्वच्छंदतावादी, प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक तथा आंचलिक वर्गों में भी रखा गया है। इस प्रकार का वर्गीकरण सुविधा की दृष्टि से किया गया है। अनेक उपन्यास ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक प्रवृत्तियों को समान महत्व दिया गया है। इनमें व्यक्ति को ही महत्व प्राप्त है। सामाजिक उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सामंजस्य पर बल दिया गया है। सामान्यतः प्रधानता समाज को दी जाती है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व प्राप्त होता है और यथार्थवादी चेतना की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। ऐतिहासिक और आंचलिक उपन्यासों में भी व्यक्ति और समाज को ही महत्व दिया जाता है। ऐतिहासिकता और आंचलिकता तो परिवेश सूचक शब्द हैं। जिसे हम इतिहास कहते हैं वह वर्तमान परिस्थितियों में अतीत का पुनर्निर्माण है। इस पुनर्निर्माण में कलाकार वर्तमान की अपेक्षा नहीं कर सकता, वह वर्तमान को अतीत में जीना चाहता है। इसीलिए बहुत से ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास का उपयोग वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। इसी प्रकार उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा गया है। बोध के स्तर पर उनमें रोमांटिकता और आधुनिकता को विलक्षित किया गया है। इधर आधुनिकता और जनवाद को केंद्र में रखकर उपन्यासों का एक नए प्रकार से भी वर्गीकरण किया गया है। इंद्रनाथ मदान आधुनिकता को एक प्रक्रिया मानते हैं और प्रेमचंद के गोदान से आरंभ करके जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अग्नि, अश्क, नागार्जुन, भारती, रेणु, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, कृष्ण बलदेव, वैद्य, रांगे राघव, यशपाल, मोहन राकेश, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, महेंद्र भल्ला, उषा प्रेमदा, श्रीकांत, श्रीलाल शुक्ल, गिरधर गोपाल, गोविंद मिश्र, प्रमोद सिन्हा, गिरिराज किशोर, ममता कालिया, मणि मधुकर, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मदी उज्जयमान, जगदीश चंद, कृष्णा सोबती के उपन्यासों तक में उन्होंने स्तर भेद से आधुनिकता के बोध का ही साक्षात्कार किया है। कहना न होगा कि इस यात्रा में आधुनिकता बोध और जनवाद एक दूसरे से गड्ढमड्ढ हो गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने संस्थान के बाद से हिंदी उपन्यासों में आधुनिकतावादी और जनवादी धाराओं को प्रभावित होता हुआ लक्षित किया है। उन्होंने आधुनिकतावादी धारा को प्रयोगवाद का अगला कदम माना है और जनवादी विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा की अग्रिम कड़ी। दोनों धाराओं के उपन्यासकारों की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा है, संस्थान में कविता की तरह उपन्यासों में भी नया मोड़ आता है। पिछले दशकों में आधुनिकतावादी और जनवादी धारा दिखाई देने लगती है। मौकन मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, उषा प्रेमदा आदि पहली श्रेणी के उपन्यासकार हैं, तो अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय आदि दूसरी के। धन्यवाद।